हमें तुमसे कितना प्यार है पारो, ये तो हम नहीं जानते। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये हालत है आज के यूथ की, जनता जानती नहीं पर लगी पड़ी है। आज स्मार्टफोन्स और जनरल इंटरनेट उतने एडिक्टिव नहीं रहे जितने प्लेटफॉर्म्स एडिक्टिव हो चुके हैं, और क्यों ना हो, उसे डिजाइन ही आपके दिमाग की वाट लगाने के लिए किया गया है। दुनिया में ज्ञान दो तरह का होता है, एक जो रियल लाइफ में काम आए और दूसरा जो सिर्फ मजे दे। ज्यादातर स्कूल, कॉलेजेस और इंटरनेट पर वही घिसा पिटा ज्ञान बांटा जाता है जो रियल लाइफ में कभी काम आता ही नहीं, तो उसे आप अवॉइड करो। एल्गोरिथम ने रेकमेंड करे वीडियोस पर डिपेंड ना रहे, बी स्पेसिफिक, खुद कुछ चैनल्स को चूज करो और उनको टाइम टू टाइम विजिट करते रहो। रैंडम इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स देखने से सिर्फ अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा लगने से लाइफ चेंज नहीं होती। बेटर ये होगा कि आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चूज करो और उसके बारे में जानो। लोन्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल हाइजीन, सोशल एटिकेट्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, मनी मेकिंग, ये सब टॉपिक आपको एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। जब आप पर घर संभालने की और पैसा कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, तब रैंडम रील्स नहीं बट स्पेसिफिक ज्ञान काम आएगा। यूट्यूब रिकमेंडेशन की बजाय जब आपकी लाइफ में सर्च बार का यूज बढ़ेगा, तब वीडियोस देखने के बाद आप लेथार्जिक नहीं एनर्जेटिक फील करोगे। इस छोटे से दिमाग को कंटेंट का ओवर स्टिमुलेशन देके नसेड़ी ना बनाए, इसे लो स्टिमुलेटेड रखे। अगर लो स्टिमुलेटेड ब्रेन के पावर को नहीं जानते तो आप मेरा हाइपर फोकस बुक समरी का वीडियो देखो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट में नहीं देने वाला। देखना है तो खुद सर्च करके देख लो। देखो बॉस, आपका दिमाग कबाड़खाना नहीं कि उसमें हर चीज डालते जाओ। अपने कंटेंट कंजप्शन के प्रति थोड़ा अवेयर हो। हर शेयर करी गई रील्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और यूट्यूब वीडियोस देखना जरूरी नहीं, कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो चीज आपके लिए काम ना करे वो बेकार है, हटा दो उसे। अगर मेरा कंटेंट भी आपको काम का ना लगे तो देखना बंद कर देना। मैं आपकी भलाई चाहता हूँ, मुझे पुण्य कमाना है, पैसा तो आएगा ही आएगा।